पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैंने आमिश राहाशी महमद की खास खबर पर एक नजर। गणतंत्रता दिवस पर थानाध्यक्ष द्वारा लगाए गए ठुमके जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस स्टाफ भी जमकर बच्चों के साथ नाच रहा है। दरअसल नजीबाबाद के प्रेमधाम आश्रम में विकलांग, मानसिक और शारीरिक कमजोर बच्चों के बीच गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए जीआरपी, आरपीएफ और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की टीम प्रेमधाम आश्रम में पहुंची। टीम ने पहले तो बच्चों के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, लेकिन एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहे बच्चों के ठुमके देखकर थानाध्यक्ष से भी नहीं रहा गया। वो बच्चों के बीच जाकर ठुमके लगाने लगे। अपने थानाध्यक्ष को ठुमके लगाते देख पूरा पुलिस स्टाफ भी ठुमके लगाने लगा। बस फिर क्या था, प्रेमधाम आश्रम का स्टाफ भी देशभक्ति गानों की धूम पर नाचने लगा। विकलांग और मानसिक बच्चों ने भी जमकर ठुमके लगाकर गणतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। टीम द्वारा बच्चों के बीच मिठाइयां और खान पान से बच्चे भी खुश नजर आए, जो पुलिस के साथ जमकर अटखेलियां कर रहे थे। पुलिस के इस कारनामे की चारों ओर जमकर सराहना हो रही है। जी, आपने जो प्रेमधाम में गणतंत्रता दिवस मनाया है, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? अच्छा, एक्चुअल में ऐसा हुआ, हम एस ओ जी आर पी, हम और अखिल भारतीय पत्रकार समिति के कुछ आदमी बैठे थे, तो अचानक हमने एक प्रोग्राम बनाया कि आज हमारा महापर्व है, हमारा हम 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो हमने अपने यहाँ पे ध्वजारोहण करने के पश्चात हमने किया कि क्यों ना हम ऐसी जगह जाके अपने पर्व की खुशी को वितरित करें, उनके साथ खुशियाँ बांटें जिनको हमारी आवश्यकता है। तो फिर प्रेमधाम आश्रम एक ऐसी जगह है नजीबाबाद में, ऐसी संस्था है जो अनाथ, दिव्यांग, मानसिक एंड फिजिकली चैलेंज बच्चों को अपने पास रखता है, उनको लालन पालन पोषण उनका सब करता है। तो हम सीधा अपना, हम सभी एक साथ हुए और वहाँ पे चले गए। हमने उनके लिए लंच लेके गए थे, उसमें लड्डू आदि, केला, समोसे। हमने उनके साथ, सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि उनके एक बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया। पहले ध्वजारोहण हुआ उनका, उनके बाद उन्होंने गान किए, राष्ट्रीय गान हुआ, तब हम नीचे बेसमेंट में उनके वहाँ पे गए। तो उन्होंने बहुत अच्छा बच्चों ने प्रोग्राम किया, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब बच्चों ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया, देशभक्ति गीतों पे डांस करना, उनमें अपने भाषण, अपने विचार रखना, तो उनसे हमें इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि हम सब लोगों से भी देशभक्ति गीतों पर रहने गया। तो सभी आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर उनका सहयोग किया, बच्चों को डांस किया, उनके साथ खेले, तो बच्चों में इतनी खुशी का माहौल था वर्दी देख के कि उनको वर्दी वाला कोई आया उनके पास मिलने, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उनको अपने हाथ से खाना खिलाया। आपको कैसा लगा गणतंत्रता दिवस? ये गणतंत्र दिवस हमेशा याद रहेगा, और ये पहला ऐसा गणतंत्र दिवस मना है मेरा कि जिसमें मुझे सच में लगा है कि हम पुलिस होते हुए भी हम उन बच्चों के पास गए जो हमसे इतने खुश हुए बच्चे, और इसकी हमें इतनी खुशी मिली है कि जो बयान नहीं कर सकते हम इस चीज़ को।